जो इनका बिल्डिंग है उससे सामने में एक लेडीज आई हुई है और उनसे मिलना चाह रही है। तो देख पा रहे हो इनका जो हाथ में फोटो है, हिमेश रेशमिया का फोटो जी, तो देख पा रहे हो। आपको इनसे मिलना है क्या? कहा आप कहाँ से आए? हरियाणा से आए हैं मिलने के लिए क्या? हाँ सर। तो गाइस देख पा रहे हो ये आई है हरियाणा से मिलने के लिए और ये उनके फैन है। आप लोग देख पा रहे हो हरियाणा से मिलने के लिए आ गए। जी हाँ दोस्तों, हिमेश रेशमिया के इतने बड़े फैन मैं पहली बार देख रहा हूँ। तो आप कब से वेट कर रहे हैं यहाँ पे? एक साल हो गया सर, पिछले साल आए थे। अरे बाप रे। सो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो गाइस मैं भी आ चुका हूँ मुंबई के लोखंड वाले इलाके में। जी हाँ दोस्तों, और आज की वीडियो में मैं आपसे भी रूप दिखाने वाला हूँ भारत के सुप्रसिद्ध गायकों में से एक हिमेश रेशमिया जी का घर। जी हाँ दोस्तों, आप लोग तो उनको जानते होंगे, वो कितने बड़े एक्टर और सिंगर है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बता दूं उन्होंने बहुत सारे हिट हिट गाना गाए हैं, जैसे कि झलक दिखला जा, नाम है तेरा तेरा, मसरूप है तेरे प्यार में, और एक और गाना उसका आया था आशिकी में तेरी। जी हाँ दोस्तों, तो ये सब गाना उन्होंने ही गाए थे। जी हाँ दोस्तों, तो गाइस आप लोग बताऊंगा कि आखिरकार इतने बड़े एक्टर मुंबई में कहाँ पर रहते हैं और उनका बायोग्राफी क्या है, और साथ में बताऊंगा उनका नेटवर्क क्या है उस टाइम, अभी वो कितना कमाते हैं, उनका अर्निंग क्या है इस टाइम। जी हाँ दोस्तों, तो सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में, साथ ही मैं आप लोग को बताऊंगा कि वो अभी किस जगह पर रहते हैं, सब कुछ बताऊंगा डिटेल में। तो गाइस चलिए वीडियो करता स्टार्ट और देखते हैं हिमेश रेशमिया जी का घर। जी हाँ दोस्तों, तो गाइस देख पा रहे हैं मेरे पीछे जो बिल्डिंग है, मेरे पीछे जो देख पा रहा बिल्डिंग है, इसी बिल्डिंग के 35-36 फ्लोर पे वो रहते हैं। देख पा रहे हो जस्ट उसके नीचे, इस बिल्डिंग के नीचे देख पा रहे हो बड़ा सा पार्क है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग अगर आने चाहते तो आ सकते हो। इस पार्क का नाम है के प्रमोद महाजन क्रीडांगन। जी हाँ दोस्तों, देख पा रहे हो कितने सारे बच्चे यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और इस तरफ भी देख पा रहे आप लोग फुटबॉल खेल रहे हैं सब लोग। तो गाइस मैं अभी आप लोग को चलता हूँ इसके सामने से, और सामने से आप लोग दिखाऊंगा पास में, साथ ही मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अंदर का भी नजारा। जी हाँ दोस्तों, कि अंदर का इंटीरियर डिजाइन किस प्रकार से है। तो गाइस देख पा रहे ये है पीछे का गेट। जी हाँ दोस्तों, और इस तरफ देख पा रहे यहाँ पर भी ये सिक्योरिटी गार्ड रखा व्यवस्था किया गया है, और अभी गेट बंद है क्योंकि कभी कभी वो इधर से भी आते हैं, कभी वो आगे से भी नहीं आते। और इस बिल्डिंग का नाम है देख पा रहे हो ओबेरॉय स्काई हाइट्स, जो काफ़ी ऊँचा बिल्डिंग है। जी हाँ दोस्तों, जो इनका बिल्डिंग है उससे सामने में एक लेडीज आई हुई है और उनसे मिलना चाह रही है। जी हाँ दोस्तों, देख पा रहे हो इनका जो हाथ में फोटो है, हिमेश रेशमिया का फोटो। जी हाँ दोस्तों, देख पा रहे हो। आपको इनसे मिलना है क्या? कहाँ आप कहाँ से आए हैं? हरियाणा से आए हैं मिलने के लिए क्या? हाँ सर। तो गाइस देख पा रहे हो ये आई है हरियाणा से मिलने के लिए और ये उनके फैन है। आप लोग देख पा रहे हो हरियाणा से मिलने के लिए आ गए। जी हाँ दोस्तों, हिमेश रेशमिया के इतने बड़े फैन मैं पहली बार देख रहा हूँ। तो आप कब से वेट कर रहे हैं यहाँ पे? मुझे एक साल हो गया सर, पिछले साल आए थे। अरे बाप रे। तो गाइस देख पा रहे हो पिछले साल आए थे, लेकिन अभी तक तो मिल नहीं पाए हैं। मुझे लगता है कि हिमेश रेशमिया जी को आके मिलना चाहिए, काफ़ी दिनों से देख पा रहे हो ये वेटिंग कर रही है और अभी तक नहीं मिल पाया। जी हाँ दोस्तों, तो देख पा रहे हो इनके जो मन में काफ़ी एक उत्साह भरा हुआ कि वो एक बार आएंगे, जरूर मिलेंगे, लेकिन पता नहीं कब आएंगे। आपको बता दूं कि जब मैं यहाँ के लोगों से पूछा तो उन लोगों ने बताया कि ये करीबन एक साल से यहाँ पे वेट कर रही है। जी हाँ दोस्तों, हमेशा यहाँ पे आती है और ये उनके इंतजार में रहते हैं कि कब हिमेश रेशमिया यहाँ बाहर निकलेंगे और उनसे मिलेंगे, लेकिन फिर भी ये मिल नहीं पाते उनसे। और बस साल हो गया पिछले साल आए थे। तो गाइस आप लोगों को बता दूं कि हिमेश रेशमिया जी पहले वर्षों में रहा करते थे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन फिर वो वहाँ से इस फ्लैट में, इस बिल्डिंग में शिफ्ट हुए हैं। तो गाइस देख पा रहे हैं जो बिल्डिंग दिख पा रहा आप लोगों को, ये बिल्डिंग काफ़ी शानदार और आलीशान है। जी हाँ दोस्तों, देख पा रहे हो काफ़ी ऊंचाई में है, और इस बिल्डिंग का नाम फिर से बता दो आप लोगों को, इस बिल्डिंग का नाम है ओबेरॉय स्काई हाइट्स। जी हाँ दोस्तों, और इसी बिल्डिंग के 35 और 36 जो फ्लोर है वो यानी कि दो फ्लैट लिए हैं, और दोनों फ्लैट 10 करोड़ रुपये का बताया जाता है। जी हाँ दोस्तों, और इसी में उनका सभी तरह के फैसिलिटी मौजूद है। आपको बता दूं कि जो बिल्डिंग देख पा रहे हो, इस बिल्डिंग के नीचे एक बड़ा सा गार्डन है और स्विमिंग पूल भी है। जी हाँ दोस्तों, तो गाइस आप लोग को एक और बात बता दूं कि जो आप लोग बिल्डिंग देख पा रहे हो, इस बिल्डिंग के ऑपोजिट जो दूसरा बिल्डिंग है पीला कलर का, इस बिल्डिंग में रहते हैं कीकू शारदा, जो कि कपिल शर्मा में आप लोग देखे होंगे कीकू शारदा, वो इस बिल्डिंग के बाजू वाली बिल्डिंग देख पा रहे हो, पास वाला बिल्डिंग, वो उसी बिल्डिंग में रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये वीडियो में आप लोगों को बता दूं कि यूट्यूब में पहले डाला था और आप लोग वहाँ पे भी जाकर देख सकते हो अगर कीकू शारदा का घर देखना है आप लोग को। तो जय दोस्तों, तो गाइस देख पा रहे हो मैं अभी आ चुका हूँ जो मेन एंट्री गेट है वहाँ पे आ चुका हूँ। जय दोस्तों, देख पा रहे हो यहाँ से सभी गाड़ियों का एंट्री होता है। जय दोस्तों, ये एंट्री गेट है और पिछले बार जो दिखाया वो था एग्जिट गेट। जय दोस्तों, देख पा रहे हो
बहुत ही ऊंचाई पे रास्ता गया है और इस प्रकार से फिर बिल्डिंग तक जाता है। तो आप लोग को बता दूँ कि आम आदमी को यहाँ पे जाने के अलावा नहीं है, जो इस बिल्डिंग में रहते हैं वही लोग इस बिल्डिंग में जा सकते हैं दोस्तों, और उसके लिए यहाँ पे परमिशन चाहिए। तो गाइस आप लोग बता दूँ कि हिमेश रेशमिया जी तो गाना गाते ही हैं लेकिन वो अपना रियल लाइफ में भी बहुत इंजॉय करते हैं दोस्तों। आप लोग देख पा रहे जो उनकी पत्नी है सोनिया कपूर, वो भी यहाँ पे रील्स बना रही, देख पा रहे आप लोग। तो गाइस देख पा रहे जो पीछे का सीन है, ये इनका घर का सीन है दोस्तों, और ये सब अपना घर में ही रील्स बनाते हैं। तो देख पा रहे काफ़ी शानदार लुक है अंदर की डिजाइनिंग, और काफ़ी अच्छी तरीके से लाइट का डेकोरेशन किया गया है दोस्तों। और आप लोग को बता दूँ कि यहाँ पे इनके घर में एक पर्सनल जिम एरिया है दोस्तों, जहाँ पे डेली अपना रोजाना जिम करते हैं। आप लोग देख पा रहे हो इनको खुद का घर पे है और हमेशा यहीं पे अपना रील बनाते हैं। तो फाइनली गाइस देख पा रहे हो ये है इनका पर्सनल रूम, और इसी कमरे में वो अपना अधिकांश रील बनाते हैं, रील्स वगैरह वीडियो वगैरह यहीं बनाते हैं, अपना शूटिंग करते हैं। और ऊपर देख पा रहे हो गाइस यहाँ पे बहुत सारे अवार्ड रखे गए इनको, देख पा रहे हो जो पुरस्कार है सब यहीं पर वो इकट्ठा करके रखे हैं जितने भी उनको मिले हैं गाने के दोस्तों, और यहीं पे उनका रिहर्सल भी होता है गाने का, डांस का भी। तो गाइस आइए आप लोग को हिमेश रेशमिया जी के बायोग्राफी के बारे में थोड़ा बता दूँ आप लोग को। आप लोग को बता दूँ कि उनका जन्म 23 जुलाई 1973 को मुंबई में हुआ था जी दोस्तों, और उनका शुरू से ही गाने में बहुत शौक था। वो छोटे से गाना गाने के शौकीन थे और बहुत प्रयास करते थे छोटे से गाने के लिए। आपको बता दूँ कि हिमेश रेशमिया जी का शादी सन 1995 में हुआ था जी दोस्तों, और उन्होंने 22 साल के रिश्ते को ख़त्म कर दिए और कोमल को तलाक दे दिए। जो उनकी पहली पत्नी था उनका नाम था कोमल, और जो दूसरी पत्नी आई उसका नाम है सोनिया कपूर जी दोस्तों, और फिर उन्होंने सोनिया कपूर से शादी की है और वो अभी उसी के साथ से रहते हैं। आपको बता दो कि इनका जो पहला पिक्चर था वो था आपका सुरूर, जो कि 2006 में रिलीज हुआ था जी दोस्तों, और ये पिक्चर काफ़ी हिट हुआ था। और आपको बता दूँ कि हिमेश रेशमिया जी सारे गामा पा के लिटिल चैंप नामक एक रियलिटी शो के जज भी हैं, जो पूरे देश में अत्यधिक लोकप्रिय हो गया है। आप लोग उनको देखे होंगे इंडियन आइडल में दोस्तों, वो उनके भी जज रहे हैं एक बार। तो गाइज अगर इनकी नेटवर्थ की बात की जाए तो हिमेश रेशमिया जी की कुल संपत्ति $10 मिलियन यानी कि 73 करोड़ रुपये है दोस्तों। उनकी अधिकांश कमाई स्टेज परफॉर्मेंस और ब्रांड एंडोर्समेंट से होता है और म्यूजिक प्रोडक्शन से आती है जी दोस्तों। आपको बता दूं कि वो एक गाना गाने के लिए 15 से 20 लाख रुपए चार्ज करते हैं जी दोस्तों। आप लोग तो उनका आवाज़ देखते होंगे, बहुत ही शानदार आवाज़ उनका है। आपको बता दूं कि हिमेश रेशमिया जी गाने गा के बहुत सारे फिल्म फेयर अवार्ड जीते हैं जी दोस्तों, यहाँ तक कि उनको सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के लिए IIFAA पुरस्कार भी जीत चुके हैं जी दोस्तों, जो कि बहुत ही बड़ा पुरस्कार होता है ये। और अगर फिल्म की बात की जाए तो हिमेश रेशमिया जी एक फिल्म के लिए 3 से 5 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं दोस्तों। तो गाइस आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हो, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे बताएं कमेंट्स में कि आपके लिए अगला वीडियो कौन सा लाऊं।